Sindhu già saputo, Sindhu giù saputiano, Dati era l'arso, Dr. Duno Patanta Fama, che salam alaikum, e sukoyo salam. E già, ma amari hosura me, 9 December, giù qua, so vera cucani, Sindhu de, tari kama, amari aduaio aia, pestuaia. अवे पेर में वह बो अवे भर में वह बो एंजू गालू कदे रबरी रात अवते हमेशा मेहरबान रहे अवो पान से मेहरबान रहो पाँ मारू भेण सांगी से मेहरबान रहो सिद्ध में वे का वो मसलो जो सदन का रो यो है अस अक्सर कर एक बे माफ़ न कर असा सिंधु के हवाले से सिंधी मानू के हवाले से पखड़न प्यार पवार से गैर मशरूत प्यार न कर सो जड़े कर असि मोहब्बत जे दरिया वही पवन वहाड़ वही पवन दरिया में तुगन अचन जी मोहब्बत कायम थन इतिहाद कायम थन असा ये जो कल्चर पैदा करो वीडियो टास्क जो वह एक नई रिवायत है नई एक जिद्दत है कि अवे सहकार से तावन से कम कर सो मिसाल कायम करे डिटर्मिनेशन जो पाजे माजी से मोहब्बत जो तारीख फमी जो तारीख बीनी जो एक नो कल्चर है कोशिश यही तो क्या तो अवा सा उ गाल क्या जी अग में किताबन में नायू आन तारीख जहाँ किताब लिखा वह उन वाक्य जो तफसील से जिक्र को आयो है सो नय गाल शेयर क्या तो असा हाँ यह मयार घुर्जे कि तारीख जी है सा अधूरी लिखल है अणपूरी लिखल है नामुकमल लिखल है धुराए थे अंदाज में लिखी हुई है हाँ ये ना तमाम अस जैसे कोशिश कदे तारीख से नजरसानी कदे माजी से नजरसानी कदे तो उनमें ये जे ऐब गलत खामियां वो दुरुस्त कर सी जो अस तारीख न पढ़ासी तो पा के उनके करेक्ट करने जो मौको न मिल सो तेरे कर कल्चर पैदा कर वीडियो टास्क के जरिए एक किस्म जो एक चेजे तो मिसाल कायम थोड़ा रिकॉर्ड ठो तो डॉक्टर दुनो पठान रोजानो रोजानो पाँ मारूण के दर से वे तो रोजानो वही जो तारीख जो वाक्य बुधा तो यो अग में अड़ो मिसाल कायम को घना दोस्त वा आलिम आकिल वो वीडियो टास्क कन था पा बू कचहर कन था पा तमाम मालूम दियन था पा पर ये पर्टिकुलराइज करके सिंध के तारीख का यो समझा तो एक मिसाल है मिसाल थी रो अर्ज क्या तो मुझा साई मुझे तारीख के वर्कन में ये शुभ महफूज थे थी पे को वीडियो टाक हाँ बुधे तो या नो बुधे वक्त अतस या नस अबा वागुर वेही कर मूसा चेजे तालक में न तो रहे इन वीडियो टाक्स में पर इंदड़ नसुल अल केतरा नसुल इनके पढ़ा छो तो वीडियो टाक्स जो यूट्यूब से हमेशा पा हूँ उन गो गुलायात के वेबसाइट से भी इनके रखस जैसे कर मुझो पर रायगान को वे मैं डिंगर से अटा को तारीख के दुरुस्त कर तारीख फहमी के बुधाने लाइक निमाणी कोशिश कई है वह सदा ही रही मां न रहा या रहा पर मुझे कोशिश निमाणू कोशिश सदा ही रहद सो सही अज 9 December जो ढी आ इब्तदा था क्यों पाँगी पे पे पे
बाबा की खिदमत में जो असो बैत पेश कद बैत चाह हूँ तुक बधी होंगी शारी जवाज मात उन में पूरा न हूँ पर उनमें सिंध से मोहब्बत सिंध वासियों से मोहब्बत अवास अकीदत निस्बत रुगबत वह ज़ाहिर थी सो आो कम्युनिकेशन है अस चाहें तो तुम्हारो राबत तो दाय में कायम है न सो मुझे बेतन में वही गाल है अर्ज क्या माजी का मुस्तकबल तीन सही दौर अचे माजी हाल है मुस्तकबल माजी का मुस्तकबल तीन रखजे रिश्तो कौम से अब ये ना है कि अस कौम के कबूल क्यों जुजवी तौर से उन माजी के नजरअंदाज क्यों हाल है मुस्तकबल डाणो न ये ना है कौम के टिनी दौर में कबूल कबो ये भी ना है तो रुगो हाल में चो दादा हाँ चो इतिहाद क्यों बधी क्यों अस न न माजी दे दिसूँ न मुस्तकबिल दिसूँ जुजवी तौर से कें कबू न कबो आ न कौम के कबो है न फर्द के कबो है सो ते कर अर्ज क्या माजी का मुस्तकबिल ती रख जे रिश्तो कौम से अस यो सीख किथा तो तारीख पढ़ बेसूद अस अस अजीब किस्म की चेज तो असन जहन में एक किस्म जो जहर वी छो तारीख पढ़ जो सो कबर खोटड़े बराबर आ न बाबा ये ना है ना है सिंध जो न्याणियों ये ना है ना है सिंध जहा सपूतों ये ना है तारीख जी है असो तसलसुल कायम रखो जरियो वसीलो उन वजह से खबर पे थी असो वडेड़न कड़ी गलत क्यों तो वह अस न क्यों असन वडेड़न कड़े चंगा कम क्या तो वो चंगा कम क्यों वडेड़न कड़े कम के अधूरो छो जिनके तस पूरा क्यों तेरे तारीख जी है ना वो आईनो भी है पर बैत जो मकसद यो है कि अस कौम के कौम जुजी तौर से कबूल न क्यों उन माजी के भी कबूल क्यों उन हाल के भी कबूल क्यों उन मुस्तकबिल के भी कबूल करो है अस अच्छा से हाँ अस इब्तिदा क्यों था पा क्लिप्टन की अभी तस्वीर मुनी इनके अस पढ़ा कदें अरबी समुंड चवंदा कदें जो सो पर सिंधु समुंड है इन नालो यो ही होजन घुर्जे असाजे क्लिप्टन से क्लिप्टन के बीच से खोड़ अस तारीख़ी वाक्य वाबस्ता है जो सो पार्सन एक ठहराया जगह ठहराया इनके अस विजिटिंग एक स्पॉट है कराची का मू जी कराची में रन था पा वो इनके अवेल कदा इन बीच के वा सैर तफरी कर अचूँ था पा पाजे इन में वाक्य जमन मरण के वफात विलादत अंग नखर से था अचूँ हाँ इन में जी अज जिन की विलादत थी है वह है 1922 में सुगर शायर है हिदायत अली सुहाणो इन 1939 में शेख अजीज जो है शेख अजीज की तस्वीर दिनी तम उन या वूँ अच्छा हिंदुस्तान की सोनिया गांधी हाँ जो मशहूर एक सियासी अगवान है कांग्रेस की अज उन विलादत थी शुतुरगन अस सना जो वो उन अदाकार है इंडिया जो सिंधियाणी से शादी थे अल कतर फिल्मों इन जो उनमें रोल अदा किया हाँ जन अस हलूँ था लाखड़े लतीफ़ के हिदायत से सलाह से दोस्त मिठा दल दिलदार आलम सुबह आबाद करी अस उन शख्सियत जो जिक्र कदी भले वो सिंधी होजन या न होजन जिन जो कें न तरीके से असो तालुक रो फिल्म के हवाले से सकाफत के हवाले से बेन गाल साई लियाकत बलोच है जमायत इस्लामी लीडर है
उन्हें जी क्या सा विला नती आए जो कि नहीं थे समाज की अकमार आए मोरे जो अल्ताफ सुमरो उन्हें जी विला नती आए था जो 1970 में जाओ 74 में ऐसा जो जो पासो रख रहा है दया मिर्जा उन्हें जी क्या से विला नती आए विछोड़ो जो तो आया थी कसा कहो जुदा थी विया आहिनि उन्हनि में 1753 आहे पहिरियों मिया नूर मोहम्मद कलोड़ो मिया नूर मोहम्मद कलोड़ो तारीख़ जो अहम हिकिड़ो किरदारु इन जी जेकी आहे वफ़ात जेकी थी आहे उहा थी आहे असांजे अॼोके ॾींहं ते 9 दिसंबर ते ऐं 1753 में तंहिंखां पोइ 1874 में मीर अनीस मशहूरु मिर्चा को शायर उनकी जी असा वफा थी है 1931 में मौलाना साहब दिनों भुट्टो उनकी वफा थी है 1948 में स्वामी अटल राम एक संत एक बुजुर्ग मानू उनकी जी है खोड़ इन जोल लगा खोल मौत कदा इनके नाले थे मुख्तलिफ़ हंधन थे एक तकिया ठहल उनमें उनके सुकून वे इनके तालीम के इन शायरी के पढ़ने बुधने लाइ जो एहतमाम सिंध में तो नो थे पर इंडिया में थे तो पो सही अला बचाओ आए असो समो इन फेर पोस्तान सुठा किताब लिखा इन जी अज जहाँ वफा थी है हलो सर तंहिंखां पोइ फ़क़त मूं फोटो ॾिनो आहे शेख अज़ीज़ जो शेख अज़ीज़ हिकु मशहूरु नाले वारो साहब बि थी रहियो सिंधी अदबी बोर्ड में बि रहियो हुनजो वाइस चेयरमैन बि थी रहियो अॼु असां में उहो कोन्हे को पर हुनजो जनम जेको थियो हो उहो 1949 में थियो हो सो तव्हां असां हिकिड़ी सिंध जी सकाफ़त बि आई आहे सिंध जी नज़राती बि हिकु बि आई आहे त हर उहो माण्हू जंहिं सिंध जी ख़िदमत कई आहे सिंध जी ॿोलीअ जी कई आहे कहिड़े बि शोभ में ॿोलीअ में इल्म अदब में सहाफ़त में सियासत में सकाफ़त में असां अवां हुनखे विसारींदा आहियूं सो शेख अज़ीज़ जी अॼु असां में कोन्हे पर विलादत जी तारीख़ जो अथसि हुन जी हाणे असां अचूं था हिकिड़नि अहम तारीख़ी वाक्यनि ते मां हिकिड़ो अर्ज़ु पियो कंदो रहियो आहियां अवां सां त साईं जेके मां अवां सां पहिरियों त ॻाल्हियूं नयूं थो कयां जेके न अवां तारीख़ जे किताबनि में पढ़ियूं न उन्हनि में उनखे शामिलु कयो ऐं उन करे हिकिड़ी नयूं ॻाल्हियूं त मां उनजा हवाला ऐं रेफरेंसिस वग़ैरह अवां ते आॾो रखंदो आहियां अर्ज़ु त को ईअं न चवे त को मां का मफ़रूदाती तारीख़ अवां जे हज़ूर में थो पेश कयां हीअ ॿुधणी न आहे दादा मां फलाणे ॻोठ में वियुसि पोइ हे ॿुधमी न न ईअं न उहो डॉक्यूमेंट्स खणो मां अवां करे सघो न त सिंध जे तारीख़ जा जेके सरचश्मा आहिनि उन्हनि में टे मुख्य आहिनि अहम आहिनि पहिरियों सरचश्मो जेको आहे उनखे चइबो आहे असांजो आसारे कदीमिया ऐं उहो उन ते अञा असांजो कमु न थियो आहे त इन करे सिंध जी तारीख़ जो वॾो हिसो असांखो ओझल आहे असां ओझल पढ़ी नथा सघूं ऐं तव्हां पाण ॾिसो था मुंहं जी दड़ी ॿोली आहे उनखे असां डिसाइफर यानी पढ़ी न सघिया आहियूं अञा सो हिकिड़ो आहे हिकिड़ो असांजो आहे असांजो आर्कियालॉजिकल साइट्स इहो सोर्स थींदो कंहिं बि मुल्क जी तारीख़ जो बुनियादी सोर्स आम सोर्स माज़ीअ ते ॿियो थींदो आहे आर्काइवल मटीरियल आर्काइवल मटीरियल जी माना त सरकारी लिख पढ़ जेका थिए थी ख़ासि तौर ते ख़तो किताब त आहे डॉक्यूमेंट्स आहिनि के एग्रीमेंट्स आहिनि इन्हनि खे चइबो आहे असांजो आर्काइवल मटीरियल त मां अवां सां ऐं टियों किताब थींदा आहिनि जेके अॼोके दौर में मौक़ कयूं मुहरख लिखनि था पिया इहो टे सोर्स थींदा आहिनि तारीख़ ते हा मां अक्सर करे ॿिनि सोर्स मुंहिंजा हा जेको आहे सो अवां जे हासिलु करे मालूमात ऐं अवां जे आॾो पेश कंदो आहियां आकाल जीअं त कमु थियो कोन्हे करे उन करे मां उनजो सोर्स जेको आहे
घट तो इस्तेमाल क्या जैसे वो आए तो मुहे के दड़े से आए बेन दड़े से हाँ कम थे तो पो शालत यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स शागिर्द कम कन पा सो साई पर आर्काइवल मटीरियल जो वो इस्तेमाल कह आर्काइव मटीरियल जो कोशिश कर तो उनको को फोटो दिजे गाल कजे सो साई हाँ अज जी असि पेरी पेरी पर उन तफसील से जिक्र बया वाक्य खी अचों पर वरी अहम डॉक्यूमेंट अवे हजूर में जो है मुख्य तफसीली गाल सो पे वासी अस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आन अस हाँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट शायद हल तो बहत्तर साल है सिंध के गुलामी जी अचण वारा अंग्रेजन जा जेके भी हुआ कारण था जासूस आ पॉलिटिकल एजेंट्स आ हर को मुतहरक हो सो अजो अज है अज इंटेलिजेंस रिपोर्ट में अजो की तारीख थे नाई दिसंबर से तो चवा इंटेलिजेंस रिपोर्ट जी लिखी वही है उनमें मुख्तसर तौर से ब पॉइंट बुधाइन जी हवा अस कम जो है जी अस तवजव तज चे तो जिन के झिझोड़न थी वह मोहम्मद तुंजो मुला मोहम्मद तुंजो वो रोहिणी को आयो है खैरपुर में टालपुर के हाल हवाला देने के लिए ये को रुगो अंग्रेज पाजे जासूसी निज़ाम के मुतहरक मुनजम रखा पर सिंध जहा हुकुमरान भी कोशिश कह पाया मानू मोकले किथा के खबर वन या उन्होंने गोठ में कि मानू अचे इनके हाल हवा कदा छो तो हंगामी हालतू नेपियर जो सखर है रोहड़ी जो जरे घटो ने कब्जे में ही तो उन सूरत हाल में मानू अच बुधाईदा टालपुर के या टालपुर मानू मोकले हाल हवा वा तो अज रोहड़ी मजा मुला मोहम्मद जात तुझो आ अचे तो पो टालपुर के हाल हवा तो दे चवे तो हवा होने रोहड़ी में दोलन से जो उन्हें में एक जैसे पब्लिसिटी जरियो हो अगे नगारा वजाई दोलन से जो सो वो ऐलान क्या था वन तो नेपियर सिंध जहा के शहर के गोठ को हिस्सो जो सो वो बहावल खान के दिए तो पो मैंने बहावल नगर जैसे चवंदा ना उन से उनके उनके दिए तो पो या गाल बुधी असाजे टालपुर न तो वो तो उनको चेज तो परेशान थी तो भाई करे तो ये हाँ अस सिंध विरहो कह तो अचे खैरपुर के टालपुर इनके का तकलीफ कान दिनी पर इनके कड़ी तकलीफ आ जो सिंध के कैची खड़ी चवे तो ये टुकड़ो मु बहावल नगर वाले बहावल खान के दिनों ये हिं हिं वही खबर हुई जहाँ अज पहुती खैरपुर में तो हाँ इनमें अच्छा बो 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 मू इन वट अचे तो वो है असो हिंदू है ये मुसलमान हो वो हिंदू है नालो जो लिखल है मुंशी जोखी राम हाँ मुंशी जोखी राम जो हों वो पे पार्टी के वट समझो तो उनको मकामी असिस्टेंट हों नौकरी छी हाँ वो मू अचे तो पो खैरपुर में टालपुर के अचे तो हाल हवा दे कड़ा तो फिरंगी की फौज जी प्लानिंग कड़ी आने सो एक चाहिए तो अंदाज कड़ो आज तादाद केतो आड़ी पा मनसूबेबंदी कन या खबर अचे उन्होंने दिए तो पो अस तुझे जो खबर दिनी वह भी अहम हुई चेजे तो जिन के झिझोड़े वो उन्हें खबर तो नेपियर सिंध जो कुछ हिस्सो बहावल खान के दिए तो पो नंबर वन बी खबर जो ये दिए तो पो अस जोखी राम तो उन मजा इन टालपुर के चेजे तो भेटने की जो मौको तो मिले तो अस फौज की अपराध को केतरी आ उनकी ट्रेनिंग केतरी आस मनसूबाबंदी केतरी आंग्रेज कें पाया कन ये सिचुएशन थे
अलग तो पाचालीन वार अच्छे हंगामी हालत में ये उन जासूस रिपोर्ट में लिखो आ रिपोर्ट असि लाइ कान लिखी हुई रिपोर्ट पाजन के ऐणी हुयसि नेपियर के ॾियणी हुयसि पाटेंजर खे ॾियणी हुयसि जेके मथां और सिंध में हुया फिरंग जा नुमाइंदा हुया अख़बार ऐं असांजी सरकार खे मोकिलणी हुयसि जेका हिन जी जेकी ईस्ट इंडिया कंपनी हुकूमत जेके पोइ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चवंदा हुया। सो इहे ॿ ख़बरूं आहिनि हिन में। हाणे चार्ल्स नेपियर जेको आहे सो गवर्नर जनरल ॾिए थो ख़त लिखे और हिन में अचूं था पिया चार्ल्स नेपियर आहे उन ख़त थो लिखे काई तारीख़ ते 9 December 1842 ते। हाणे ॾिसो मां जेका ॻाल्हि कयां थो हुनजी शायदि हिसाब थी ॾियां थो पियो। रेफरेंस त ॾिबो आहे न फलाणे किताब सुबुह फलाणो, पर मां ईअं थो कयां रेफरेंस बदिरां असली उहा ओरिजिनल शइ जी जेका फोटू थो ॾियां। एतिरो तसदीक़ सां मां ॻाल्हि कयां जो ॿुधंदड़ ऐं मूंसां जेके गॾु वेठा आहिनि उहे महसूसु कनि त तारीख़ जा इहे डॉक्यूमेंट्स असां जेके सो ॾिठा ई कोन्हनि। उहो चाहिनि उन डॉक्यूमेंट्स खे वॾो इलाज करे पढ़ी सघनि था पिया। उहे चाहिनि त हिन डॉक्यूमेंट जी कापी मूंखां वठी था सघनि। हाणे उहो नेपियर जेको आहे उहो पंहिंजे जेको चवे थो गवर्नर जनरल जेको ख़त थो लॻे उन में लिखो त साईं मूं जेको आहे लेफ्टिनेंट स्टेनलीअ खे मोकिलियो आहे हैदराबाद ऐं ॾिनो नओ मुआदो मां हिननि सां कंदुसि हैदराबादी हुकुमराननि सां ऐं उहो मुआदो हिनखे ॾिनो अथमि स्टेनलीअ खे उहो वेंदो आहे मूंखे पक आहे हाणे उहे चूं चरा न कंदा ऐं उहो उन ते दस्तख़त कंदा। इहो पंहिंजे गवर्नर खे हाल अहिवाल थो पियो ॾिए नेपियर चार्ल्स नेपियर जेको सम्झो त ईअं सखर ऐं रोड़ीअ जे जो ॼणो क़ाबिज़ थियो वेठो आहे। ऐं ॿियो थो चवे त हाणे हिकिड़ी अहम ॻाल्हि अथव ज़हन ते रखिजो जेका मां कयां थो। गवर्नर खे थो ॿुधाए त इन हैदराबाद वारनि जे टारपुरनि जे लाइ मीरनि जो वफ़द मूंसां मिलणु आयो ऐं मूं उन्हनि खे टाइम ॾिनो। हज़ार सुफ़ातकारीअ में ईअं थींदो आहे। मीरनि फ़ैसिलो कयो त असां मज़ा वॾो को बि नेपियर सां न मिलंदो उहो उन्हनि ईअं कयो, पर पंहिंजा वफ़द हुननि वटि मोकिलियऊं। अॼु हैदराबाद ई टालपुर जो वफ़द हुन सां मिलियो आहे ऐं उहो हुन सां मुलाक़ात कई आहे। ऐं पोइ साईं टी का कम जी ॻाल्हि जेका लिखी अथई उहा लिखी अथई डिवाइड एंड रूल रूल करण खां अॻु में हुकूमत सिधो खे ग़ुलाम बणाइण खां अॻु में बि हिननि डिवाइड करण जी कोशिशि कई ऐं खैरपुर में हुननि हिकिड़ो कामयाबु तजुर्बो कयो। ऐं उन करे लिखे थो त मीर अली मुराद खान जेको आहे उहो बाक़ी मीरनि खां अलॻि थी वियो आहे। अलॻि थियण जी माना आहे त को लठ जहिड़ो सोटो खणी करे न थियो आहे, पर नज़राती तौर ते ज़हनी तौर ते उहो जीअं उहो मीर सियासत कनि था पिया असां सां वफ़द जे ज़रिए ॻाल्हियूं कनि था पिया इहे क्लियर थियो बीठो आहे। असांजो साथ ॾियूं असांजो दोस्त बणिजे ऐं चइजे त ॼण असां सां जंग न करण जो मुआदो ॼण करे रखियो अथई। मुआदो त कोन थियो पर चवणु मक़सदु इहो आहे त उहो मीर अली मुराद खान बाक़ी मीरनि खां जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ थियो बीठो आहे हिन मौजूदु सिचुएशन में। ऐं ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि कई अथई वॾे कम जी कई अथई हाणे उहो उनमें मां उन आख़िर जेके उहो मां ॾियां थो पियो। उहो लिखे थो पियो त मीरनि मां को ख़तरो कोन्हे। हाणे मां लफ़्ज़ थो पढ़ां त को उहो असांजे कैंप ते हमिलो कंदा माना खैरपुर में फ़ौज गॾु थिए पई न मुख़्तलिफ़ मीरनि जी हुनजी प्लानिंग आहे त भला राति जे वक़्त ते वञी कंहिं कैंप ते जेको आहे न नेपियर ते या फ़ौजनि ते वञी हमिलो कजे जेकॾहिं पक थी वञे त नेपियर जेको आहे बदनियतो आहे हिकु नुक़सानु ईंदो त हुनखे अॻु में असां को एक्शन खणूं। हाणे नेपियर थो लिखे इहे लफ़्ज़ आहिनि त कैंप ते हमले करण जी जेके आहे
वो तो का गुंजाइश कान्हे का न कंदा हमलो छो तो हू हर वक्त भंग के नशे में धुत हूंदा आहिनि इल्ज़ाम आहे बोहतान आहे पर दुश्मन जा लफ़्ज़ ॿुधबा आहिनि मां खे चवंदो आहे न कनला ॿ हिन करे ॾिना आहिनि हिकिड़े सां दोस्त खे ॿुधो ॿिए सां दुश्मन खे ॿुधो उन माना पाण तव्हां सपूर जे बणिजी कम जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे खणी वठो सोचे वठो त भंग में भंगे नश में धुत हूंदा आहिनि हर टिनि कलाकनि खां पोइ कूंडो भंग जो ज़रूरु पवंदा आहिनि हाणे इहे लफ़्ज़ जेके आहिनि ऐं इहे असांखे ज़हन में रखणा आहिनि त दुश्मन जी केसी ताईं नज़र आई असांजे वॾड़नि ते असांजे टालपुरनि ते असांजे हुकुमराननि ते त हुनजे खुखामियुनि ते सभु सम्झो त हुनजी नज़र हूंदी सो इहो ख़तु आहे ऐं हिन ख़त जी मां अॻ में अंग्रेजी वारी तस्वीर अव्हांखे ॾेखारी ऐं हिन में छा चयो त अव्हांखे जेकॾहिं घुरिजे त मां इहा अव्हांखे ॾेई सघां थो हिनखे हिन लाइ अजब करे वेंदा त शायदि पर इहा मुकमल तस्वीर न हूंदी त मां अव्हांखे ॾींदुसि टाइम हाणे हिन में पाटेंजर जी थी आहे मीर नूर मोहम्मद ख़ान सां मुलाक़ात हाणे हिते मां हिकिड़ी शइ नोट कयो हुन में मूं छा कयो आहे हिते आहे 1836 जी मूं चयो त हिन ते पोइ था ॻाल्हायूं 1842 जो अॻु में ज़िक्र कयुमि उहे नंढड़ा नंढड़ा वाकिया पर हिन में मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि अवां सां वाह जेके चए थो यकीन ॾियाराइणो पक ॾियाराइण ई एतमाद ॾियाराइणो हुयो त जेके मां अवां सां अणॿुधियूं ॻाल्हियूं कयां थो उन जूं मोट शायदियूं ऐं साबितियूं आहिनि हे मुकमल डॉक्यूमेंट आहे हेनरी पाटेंजर जो ऐं इहो जेको आहे सो मेमोरेंडम जी माना इहा आहे त उहो डायरी क़िस्म जी हिकिड़ी हिकिड़ो तफ़सील सां कंहिं वाक्य ते लिखिजे ऐं उहो पाण वटि रखिजे पंहिंजे के चइजे त कंसल क्वार्टर जेको आहे जंहिंमें गवर्नर जनरल थियो हुनजो सेक्रेटरी थियो होॾे में मोकिलिजे हेठां बिल्कुलु लिखियो पियो आहे 9 December 1836 29 शोबान 1252 हाणे इन ॾींहं ते हुन लिखियो आहे असांजो मेमोरेंडम असां मेमोरेंडम छा आहे इन करे सॼो ॾिनो अथमि तव्हां महिरबानी कयो हिनखे इन लिहाज़ करे खोले कापी कढी पढ़ो त सही पर अवां जे ज़हनत खे ॼणो एॾो झिझो ॾींदो त हुननि माण्हुनि जो अप्रोच हुननि माण्हुनि जी सोच हुननि माण्हुनि जी लोच जेकी आहे सा कहिड़ी आहे हाणे हुन में ॿ टे ॻाल्हियूं मां अवां सां ॻाल्हि कंदुसि बाक़ी ओरिजिनल ख़त न हुन मेमोरेंडम अवां सां मां शेयर कयो आहे अवां हुनखे इन लाल करे पढ़ो कापी कढी करे पढ़ो अवां हिन करे त अहिड़ा डॉक्यूमेंट्स तमामु असांजे लाइ असांजे तारीख़ जो हिकिड़ो हिसो आहिनि ऐं उन्हनि उन्हनि जे पढ़ण सां असांखे उन दौर जी ख़बर थी पए माण्हुनि जी ख़बर थी पए हुकुमराननि जी ख़बर थी पए गैरनि जी ख़बर थी पए धारियुनि जी ख़बर थी पए सिधो दुश्मननि जी ख़बर थी पए हिन डॉक्यूमेंट्स वटां हाणे ॿ टे मां रुगो पॉइंटूं ॾींदुसि हाणे हुन पहिरीं ॻाल्हि जेको हुन लिखी आहे ऐं हुनखे सलाह थो ॾिए मीर खे असांजे नूर मोहम्मद ख़ान खे चए थो ख़बर त थियो पंजाब मंझां रंजीत सिंह जेको आहे उहो शिकारपुर ते छो थो कब्ज़ो करणु घुरे हुनजो सबबु इहो आहे त जेके जबल खां माण्हू अचनि था फुरलिट करे वञनि था हुन ज़ाति जो ज़ाति बि लिखी आहे हुन मज़ारनि जो नालो वरितो आहे इहे मज़ारी ज़ाति वारा अचनि था पिया हज़ार ॿिया जेके बि जबल खां अचनि पिया हुन में बुकटी बि था अची वञनि मरी बि अचे था वञनि त इहे इन्हनि मज़ारनि जेको आहे सो शिकारपुर खे फुरियो लुटियो आहे ऐं हुन सां गॾो गॾु जेको आहे थोरो अॻिते टपी करे वञी हिन पंजाब रंजीत सिंह जे हदुनि सरहदुनि में बि हिन वाकिया कया आहिनि रोज़ जा ऐं पोइ रंजीत सिंह इहो सोचियो आहे त सम्झो आहे या प्लान कयो आहे त शिकारपुर जेके आहे हिकिड़े कंहिं मीर जी कान्हे पर खैरपुर हैदराबाद हिननि जा सम्झ हिसा आहिनि तंहिं करे तवजो नथा ॾियनि अमन अमान जी सूरत हाल बिगड़ंदी थी वञे तंहिं करे बहितर आहे त मां वञी शिकारपुर ते कब्ज़ो कयां हाणे इहो सबबु थो ॿुधायसि पाटेंजर मीर नूर मोहम्मद असांजे ख़ान खे त हुन जेको
शिकार पर थे कब्जो कर दो करे उन्हें जो रीजन ही हुई थी वो वरी सलाह तो रे हाँ ये कर जिन जिन जा हिस्सा है वो उतरे पाई भला फौजी चौक क्यों तो कायम करना उन्हें ऐसो थे कि फौजी चौके में केतरा था माड़ू हुजन उनमें केतरो उनमें हुए असर हुए जो इन हालतुन के जबल का इधर मानू आन उनके मुंह दई सके उन सुधरियो मानू जो दुपा कर सके बी पॉइंट उनके वह रसी दई टी पॉइंट चई यार कुर्ब कर तू जो सो मीर सोबदार का इनके समझाए वो असा सो सौंप न तो करें खबर कान्हे असा उनके छो ना बणूं असा अंग्रेज एक पावर आयो असा लोकल पावर आयो लोकल सुपर पावर आयो ये मानू अस इंटरते ही नो चढ़े यारी दोस्ती में नो अचे तू इन समझाय न तो ढो उन नतीजा उगड़ा निकरंदा इन इन ये ट्री पॉइंट है जो उनके कई थे पी अस कचहरी में कई थी पर ये डॉक्यूमेंट सो मूँ यो डॉक्यूमेंट जो है तमाम आम है इन इन तेहरबानी कर इन कापी कढ़ी वो इनके इनलाज कर पढ़ो मां वो थोड़ी गाल पर इन में घणु गाले से मौजूद आन इन पाटे जर सो मुँह के जिक्र जो अंग्रेजी में वहाँ दिखो वो इतने इन में सागो सिंधी में लिखल है ये वरी वरी 842 वरी तो मोटी हलो छो तो ये अहम डॉक्यूमेंट मूँ तवे तवजो शिक्र है अवज साई मां बुध गाल का सदरी रिवायतू सीने जो रिवायतू न इन तारीख न ठंदी है इन तारीख में मफरूजा कायम थन्दा सची तारीख यही तो उनकी शायदी साफ़ी हुए इन कर 1836 वाक्य के वरी खड़ी आस वरी मोटी 1842 से हलूँ था पाया हाँ 1842 में नेपियर लिखो है खैरपुर के मीरन के उत हाँ वो मरकज हो हंगामी हालतुन में मुख्तलिफ हंधन था मीर उचे गड थे उन्होंने धरती के पैं हुकुमरानी के मान के बचाने के लिए नेपियर के जंगी खतरो बन उनके मोड़ने ला उत जैसे गड थिया तो नेपियर उनके खत तो लिखे पो नेपियर से हाँ हमें अर्ज को इन मीर जहाँ मू मिले आया असो मीर रुस्तम अली खान जो वजीर हो घोरी वो तो मीर रुस्तम अली खान उनके पे वी वे मिलने के लिए मीर रुस्तम खान की हैसियत ही हो तख्त धड़ी न हो पर हैदराबाद असो मीरपुर खास खैरपुर में उनके वो कर तस्लीम कदा हुआ तेने करे वो असो घोरी पे चवे तो अस मैं इनके मिलाया मिलाने में को ऐब को सो बहरहाल अज नेपियर खैरपुर के मीरन के टालपुर के जो खत तो लिखे उन पेरी पॉइंट जो कम की कई तई वह है बाबा हाँ मुख पक है तवे गवर्नर जनरल जी भी हुक्म कटे तो पो या जी भी मुख्य हिदायतू दिए तो अब कें चू चरा कर चुपचाप उन अमल कड़े किस्म की वार्निंग भी है एक किस्म की जो हुक्मनामो भी है ऐसो शुद्ध थे कब्जे कर अग जो सूरत हाल आया जहाँ कर रखा तो बी पॉइंट जो उनके चवे तो पाँच तर फौजी तैयारी था करो इन मानू से थोड़ा नजर रखो पाजन से जैसे भी कोजे फौजन से कें जो हथ चुरा न कई को तारा फोटारे ऐसा तो उन्होंने वो असर कबो जो तुम अंदाजो ना लगा सको हाँ या भी किस्म की धमकी भी है पाँच पावर इख्तियार जो चाहिए तो इजहार भी है जो निपियर करे तो पे तो गवर्नर के जी हर हुकुम के मजो ए है मुझे फौजी ने जो भी नालो न वो जो वरत तो जिम्मेवार मुझा फौजी न हूँ
जो कुछ उन्होंने असर कहना जो उन्होंने तारा फोटारे दिसन या उन चुर सकन या उन विहण की कोशिश कहना। टी पॉइंट जी अस वह अस हाँ मास ये गाल आप का निकतो तो खैरपुर जो खैर न समझो खैरपुर तवे हथन में न होती वह खैरपुर मुझे हथन में होती। अब अंदाजो लगा अड़ सौ बहतालीह में आयो सिंधु एकड़ो आजाद मुल्क है वो आजाद मुल्क है जिंजा जो टिन कैपिटल्स में विरायल है ढो सुने नमूने से तदब्बुर से कम हल तो पो में ये थी पो का बद नजर लगी असाज वडेड़न को कोताह गलत थी असाज मुल्क में वेठल धारो मू धमकू तो दे हुक्म तो दे शहर तो खसे असि आज़ादी तो जन बहतालीन जिस साल में जन जरे घट वो समझो तो नीम गुलामी वो माहौल हालत जैसे पैदा थी वह सो यो नेपियर के जो सो धमकू दिन खत है अड़ सौ बहतालीह जो तारीख है असाजी सत अस नाई डिसंबर की हाँ सही अचो ये है अस अड़ सौ पंजा अज अड़ सौ पंजा की मान आई अच्छी तो अंग्रेज की हुकूमत थी वही इन खबर ही अंग्रेजन के तो जैसे अस सिंधु से कब्जो पाया क्यों प्लानिंग पाया क्यों तो जबल का जी मू हुआ मुख्तलिफ जात मुख्तलिफ कबीला उचे फुर लुट कह अजो की तारीख से माना नाई डिसंबर अड़ सौ पंजाते जो सो उन्होंने उत्तर सिंध में मरी कबीले जहा छ मू गिरफ्तार क्या मुझे चवण मकसद यो ही हमारे संदा तो इन अंग्रेजन वेड़ाक कबील का पैरों उनके मोह दिन उन विड़ा उन गिरफ्तार कन वरी उन जी चब लठ चट पैरों लठ डेखारन वरी उन लालचायन उन करण के लिए उन दावत दई दावत दई माना एक ओपन ऑफर दई उनके सिंध में उनके सेटल कन तो इन सिंध में सेटल थे असाजे जाबुलू चाहिए तो कबील जहा विड़ाक कबील जो सबब यो ही है तो अंग्रेज यो महसूस कर तो विड़ के बदर बेहतर ही आने के सेटल कर मरी तो वही असाजे दखड़ सिंध के पास वही सेटल थे अड़े नमूने से जखराणी आन बस मुख्तलिफ जी अस चाहिए तो कबीला उनकी सेटलमेंट सिंध में इन पॉलिसी तहत थी तो इन विण के बदर असो टाइम जया क्यों फौज जया क्यों तवज्जो जया क्यों बेहतर हुए इन किन के सिंध में सेटल करे सो अज अर सौ पंजा जो साल है नाई डिसंबर है छह मू मरी कबील जहा गिरफ्तार थे अंग्रेज सरकार क्या सही तेनो एक अहम वाक्य मुझे लाइन कर तालीम इदार पा उस्ताद रो सजी जमार तालीम के दिनी तम साल है उन्नीस सौ सोरह जो असा तालीमी इदार में डीजे कॉलेज सिंध मदरसो इन में बार के मुसबत सरगर्म कराने के लिए उनके जहन के फीड कराने के लिए वो लेक्चर प्रोग्राम करा उनको अदबी सोसाइटी होंद अस जार पढ़ शागिर्द जालीमी इदारे में पॉजिटिव एक्टिविटीज में अचे तो पो उन सो रुगो किताबन में न पर उनको चाहिए तो मुख्तलिफ तरीक सा कदें दौर से वही वन कें मे वी अच्छे उन्होंने के जो सो सलाहों लेक्चर करा या रिवायत जी थे थी तो बार मसरूफ थी तो वे सब्जेक्ट चाहिए तो मजमून के हिसाब से सोसाइटी होंद
डिबेटिंग सोसाइटी होंदी हूं, ड्रामेटिक सोसाइटी होंदी हूं। बार के को वक्त ही को मिले तो भगवान के भर चढ़े बार के को मिसयूज कर जो को टाइम ही को हों के माना बार 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 उनको कि मिसयूज थे छो तो पा पॉजिटिव एक्टिविटीज में तालीमी इदार में मसरूफ हूँ। 1916 जो वाक्य है असि 9 दिसंबर जो ढी है उनमें अज एक लेक्चर थे ये लेक्चर पाया बार वा वा मू वा वा आलिम घुराइंदा असध मदर्स में भी डीजे कॉलेज में भी बया जी वा सुा मशहूर इदारा हूँ अवा सालू कभी जो को वक्त आयो लालचंद अहमद डोमल एक तालीमी इदारे में उन लतीफ क्लास शुरू क्या और अदा तो ऐसो न असाजे वडेरन कड़े नमूने से इंस्टिट्यूशंस के जो उनके फाल बढ़ाया कड़े नमूने से तालीमी इदार के शागिर्दन के जो उनमें पॉजिटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो कड़े नमूने से माहौल के जो यकीन चाहिए तो सही नमूने से तालीमी माहौल में जो कन्वर्ट हो सो अज इन कर डीजे कॉलेज 1916 का अगर भी अच्छी रो कॉलेज तो रिवायत कायम कर सिंध में जो ड्रामेटिक सोसाइटी टूँ उन बुनियाद असली बुनियाद विधो जो प्रोफेसर पाशा हों उन्हें जी नाटक चाहिए तो ड्रामेटिक सोसाइटी टाई सोसाइटी तेखा बाद में 1947 जो साल है 9 दिसंबर जो डी है तारीख है 14,000 पानीपत में ट्रेन के जरिए 6,000 जालंधर में मोटर के जरिए असाजा दीन भाई असाजा महाजर असाजा पनागीर जो सिपाता यहाँ कोशिश कदस ये अंग अखर अंदाजो लगाइंदा मानू के जज्बे जो या मानू के पनाह वठण जो या हिजरत करण जो जी स्पीड रफ्तार मिकदार उनको जो अंदाजो लगा सको तो क्या जो विरहांगे जो सो समाजी जोड़ जख थे असर वा उनमें एक किस्म जहाँ भोचाल जो पैदा थो वो इन कर वेठे वेठे रातों रात जो वो आबादन जो तवाजन हेठ मथे थो सकाफत के हिसाब से बोलियों के हिसाब से तो मैं अस 99 साल है 9 दिसंबर है जमात इस्लामी जहा ब कारकुन मरी वह असोन में इस्लामाबाद में रावलपिंडी में कोर्ट से वो फैसलो दिनों पीपुल्स पार्टी के डर में कोर्ट के असो वारस खान पुलिस स्टेशन रावलपिंडी उन्होंने हुकुम दिने बेनजीर के खिलाफ इन बिन्हीं जमात इस्लामी के कारकुन जो कतल केस जो दाखिल कर सो बाबा वो असो वाक्य है ऐसो असा जो तारीख में छो पे वह वापरे हाँ किधर अस दौर से अचो असा पे वह वापरे यो तकाबली जायज तरी कर सको खबरों पवंद जैसे अस माजी जो गौर से वे जो विचार कदासी उनते थोड़ा पढ़ासी सो ये गालू जो मैं चवंद पछाड़ी में थोड़ी गालू गाल घन दिल चाहिए तो वेठो अस अवे भर में वह भी सुकून आवाज पैर में भी वह सुकून आ पर वरी अस अजो वीडियो टाक की पुजारी क्यों एक गुजारिश क्या अरस क्या मौसम मटजी वही है गर्मी हाँ सर्दी है पर पा अवा न मटजी अवा से हर को मटजी वी ये अवा बुदाया हर को मटबो अवा न मटजो पाँ ख्याल रखो सारे के कर ख्याल रखो ऐसो था पा तो कड़ा कड़ा मखण मू कड़ा कड़ा वड़ा मू जिन जो नालो वे तो वजू कर वे या गुड़ कर वे असा को विछड़े
वजन था पे जुदा थी ना यो इन्हें करे था कि ये जो कमाबा जो फैली असा को डाढ़ो खर्चो थे अलावा के इन बाबा का बचाए और अलावा के डिठल हाँ डिठल बुधल बुधल मुसीबत का तकलीफुन का बचाए अल्लाह अवा के जो सो पाँच धरती से प्यार करो जज्बो दिए पाँच ख्याल कर सी हालत हालत ख्याल कर धनी आवाज़ भगवान ए माँ आवाज़ दुआ वो वही मेहरबानी।